Hey, what's up? Assalamualaikum. My name is Vasif Hafiz Vasif and you are watching Vah Production. आज की वीडियो है स्टोरी टेलिंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक स्टोरी अपनी लाइफ की, बड़ी मजे की स्टोरी है। और जैसा कि आपको पता है, मुझे अब स्टार से मिलने की आदत हो चुकी है, तो स्टार से अब मैं मिल चुका हूँ बहुत ज्यादा, कभी गरूर नहीं किया मगर बहुत ज्यादा स्टार से। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? आई एम जस्ट किडिंग। मैं बात ये करने जा रहा हूँ कि मैं मिला आपके और मेरे फेवरेट द वन मैन आर्मी यासिर शामी, डेली पाकिस्तान के होस्ट, एंकर, सब कुछ यासिर शामी। ठीक है, अब उनसे मैं कब मिला, कैसे मिला, वो बंदा ऑफ द कैमरा कैसे है। अब ये मैंने देखा है, मैंने मिला तो मुझे पता है वो बंदा ऑफ द कैमरा कैसे है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब लाजमी कर दें और लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई सीन हुआ ये कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में एक होता है इवेंट वुमेन डे पे। इट्स नॉट द औरत मार्च, इट्स द इवेंट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट और औरतों के हकूक, लाइक एजुकेशन, जो भी उनका था। एक अच्छा, एक डिसेंट सा इवेंट था, औरत मार्च नहीं था। वहां पे आए हुए थे 5-6 सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया के, ठीक है। उनमें मेरे ख्याल से जो सबसे बड़े थे ना, वो थे यासिर शामी, क्योंकि वो बंदा स्ट्रगलर है, उसने खुद मेहनत की। आज उस बंदे का जो नाम भी है वो अपने दम पे, ठीक है, समझ रहे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना, लेवल बंदा। उसके बाद थे फारूक वरैज, उर्दू पॉइंट के होस्ट, उनके साथ भी मैं मिला, तो वो स्टोरी हम करते हैं रिवील बाद में। फिर वहां पे थे हसीब खान, द फेमस एक्टर। फिर वहां पे थी सहर हयात, टिकटॉकर, और 2-3 टिकटॉकर्स और थी, फातिमा फैसल, राबिया फैसल, दोनों बहनें, 6-7 सेलेब्स वहां पे थे। अब भाई सीन कैसे कि मैं यासिर शामी से कैसे मिला, कब? अब उस इवेंट में मैं भी था, क्यों था, बस मैं वहां पे था। उफ, 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 उफ। अब यासिर शामी के हाथ में माइक था डेली पाकिस्तान का, सो उन्होंने पहना हुआ था ब्लैक कलर का फेस मास्क। अब आपका भाई उस इवेंट में घूम रहा है, वहां पे लोग खड़े हैं, आपका भाई के बीच में घूम रहा है। So, मैंने देखा यार ये बंदा कहीं देखा देखा सा लगता है। बाल उनके खड़े हुए थे जैसे उनके होते हैं, ठीक है, खड़े हुए, उनकी आंखें में रंग उनका बहुत साफ है। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि यासिर शामी है। मैं गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम यासिर शामी भाई, ठीक है? तो कहते जी। तो मैंने कहा भैया एक सेल्फी हो जाए। कहते जी जी जरूर, ठीक है। डाउन टू अर्थ मैन, नो प्राउड, कुछ नहीं था, ना गरूर था, ना आकर थी कि नहीं है अभी मैं बिजी हूँ ये वो। हालांकि अपने टीम से बात कर रहे थे, 5-6 लोगों से, जो हमने आज का इंटरव्यू है वो क्या करना है, वो 5-6 लोगों से बातचीत कर रहे थे, बट फिर भी कहते जी जी ठीक है आए आप। डाउन टू अर्थ मैन, फैंस की इज्जत करने वाला बंदा, ये चाहिए होता है। सो मैंने सेल्फी ली। अब उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जब क्वेश्चनिंग आंसरिंग की फीमेल्स के साथ और बॉयज़ के साथ, ज़्यादा वो फीमेल से करे थे क्योंकि उनका जो टॉपिक था वो ज़्यादा था वैसा। तो अब एक होते हैं बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स वो कभी शेयर नहीं करते। अब वो बिहाइंड द सीन्स मैंने देखे अपनी आंखों से, मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किए, आवाज़ नहीं आ रही बट रिकॉर्ड किए, वो देखिए साथ साथ मैं करता हूँ अपनी पीछे बात। अब जी बिहाइंड द सीन्स में क्या था कि एक लड़की ने गलती से अपनी फेसबुक आईडी जो असल है वो बता दी ऑन द कैमरा। अब यासिर शामी भाई ने उसी वक्त कहा कि नहीं कट, आप अपनी रियल आईडी ना पाएं, लोग हम ही आपको करेंगे बाद में स्टॉक, क्योंकि वो वीडियो जाती बहुत वायरल। सो के बंदे को पता है कि प्राइवेसी क्या चीज़ होती है, तो वीडियो जो बनती है बड़ी सोच समझ के बनती है और बड़ी अच्छी बनती है, और वो कि उनका जो बिहेवियर है ऑफ द कैमरा भी उतना ही अच्छा है जितना उनका बिहेवियर ऑन द कैमरा अच्छा है। बड़े एक्साइटेड है, बड़े वार्म है, ग्रेट। अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए इतना कि वीडियो यासिर शामी तक पहुंच जाए। क्या हुआ चस आ जाए, चस क्या हुआ चस आ जाए। तो यहां करते हैं वीडियो को खत्म। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान, जिंदाबाद। फेसबुक पाकिस्तान से पापा की बनी नाम से।